हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये कह सकते हैं कि ये गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड होगा। अभी जो है, हम गुप्त काल के बारे में पढ़ चुके थे, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं, और एंशियंट हिस्ट्री के प्रकार से अंतर्गत जो है, हम प्राचीन भारत के अंतर्गत जो है, गुप्तोत्तर काल के बारे में जो है, यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, गुप्तोत्तर काल के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं क्या था, गुप्तोत्तर काल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट्स जो है आपके एग्जाम में फैक्ट्स उससे पूछे जा सकते हैं। तो गुप्तोत्तर काल की अगर जो हम यहाँ पे बात करें, एक मिनट, गुप्तोत्तर काल जो था, एक प्रकार से गुप्त काल जब समाप्त हुआ तो उसके बाद एक अगला काल आया, वो आया गुप्तोत्तर काल। उसका नाम रखा गया गुप्त उत्तर काल, मतलब गुप्त कालों के बाद में जो काल आया उसको बोला गया गुप्त उत्तर काल। जिस प्रकार मौर्य काल आया था, मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल आया था, उसी प्रकार से ये गुप्त काल जब समाप्त हुआ तो आया गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त काल के बारे में कुछ जानते हैं। तो वर्धन वंश की जानकारी, मतलब वर्धन वंश की जो जानकारी से निम्न ऐतिहासिक प्रकार से कह सकते हैं, एक मिनट, प्रयास करेंगे। यह है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल जो था, ये वर्धन वंश का पुष्प मित्र पुष्पभूति एक प्रकार से कह सकते हैं वंश का, वर्धन वंश के इसको पुष्पभूति वंश भी हम बोलते हैं गुप्तोत्तर काल को। तो वर्धन वंश की जानकारी निम्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब, कई सारे ऐतिहासिक स्रोतों से हमको वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। जैसे बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र नामक एक ग्रंथ है जिससे हमको वर्धन वंश की जानकारी मिलती है, और हुएंग सोंग द्वारा रचित है सीयू नामक एक चीनी ग्रंथ है, सीयू नामक एक चीनी ग्रंथ है जिससे जो है हमको वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वर्धन वंश की जानकारी के ऐतिहासिक स्रोतों के प्राप्त होती है, तो बहुत से ऐतिहासिक स्रोतों से हमको वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बाणभट्ट द्वारा रचित जो है प्रकार से ग्रंथ है ह्वेनसांग, और सीयू नामक एक चीनी ग्रंथ है जिससे भी हमको वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। तो सीयू ह्वेनसांग नामक सीयू नामक एक चीनी ग्रंथ है जिससे वर्धन वंश, हर्षवर्धन के दो अभिलेख हैं। पहला जो अभिलेख है बांसखेड़ा अभिलेख है, और दूसरा अभिलेख है जो बांसखेड़ा अभिलेख है वो शाहजहांपुर से मिला, वहां से जो है इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और मधुबन अभिलेख जो है वो मऊ का, इस प्रकार से उससे भी हमको कुछ जानकारी मिलती है। चालुक्य शासन थे पुलकेशन द्वितीय ने द्वितीय के एल्होल अभिलेख से तथा हर्षवर्धन कालीन मुद्राओं से भी कुछ जानकारी जो है प्राप्त होती है। बाणभट्ट हर्षचरित्र में हर्ष आदि पूर्वज के नाम से पुष्पभूति बताया है। हर्ष के पूर्वज जो श्री कृष्ण राज्य की राज्य के शासक थे, जिनकी राजधानी क्यों थी, जिनकी राजधानी स्थाणवीश्वर, मतलब ज्ञात जो है उसको थानेश्वर जो है कहते हैं। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, बना था। प्रभाकर वर्धन ने जो है इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना था। इसने महाराजा धीराज और परमेश्वर परम भट्टारक आदि जो है उपाधियां धारण की थी। इसकी मुद्राओं में जो है प्रतापशील अंकित है, इससे स्पष्ट होता है प्रतापशील की उपाधि इसने जो है धारण की थी। मतलब इसकी जो मुद्राएं हैं उसमें जो है प्रतापशील अंकित है, इससे स्पष्ट होता है इसने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी, किया था। और 605 ईस्वी की बात करें तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, और इसकी पत्नी जो थी यशोमती जो हो गई थी वो सती हो गई थी। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि गुप्तोत्तर युग में जो है सती प्रथा का जो है प्रचलन देखने को मिलता था। ये 605 ईस्वी की बात की जा रही है। 605 ईस्वी में एक प्रकार से प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो गई थी तो इसकी पत्नी जो है सती हो गई थी, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। राज्यवर्धन शासक बना था, और इसी समय मालवा का शासक देवगुप्त कन्नौज की पर आक्रमण किया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है कन्नौज पर आक्रमण किया था, और यह शासक जो था वो ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई थी, और राजश्री को एक प्रकार से कारागार में डाल दिया गया था।
सासल जो थी ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई थी और राजश्री को क्या कर दिया था, क्रायदान में डाल दिया गया था। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो था वो कन्नौज का शासक बना था, इसे अपनी राजधानी इसने जो है बनाया था। इसी उपलक्ष में 606 हर्ष संवत जो है शुरू हुआ था। 606 ईस्वी में जो है एक अगला संवत शुरू हुआ था जो हर्ष संवत जो है विक्रम संवत पहले स्टार्ट हुआ था 57 ईसा पूर्व जो है लगभग, जब उज्जैन को हर्ष मतलब उज्जैन को विक्रमादित्य ने जीता था शकों से, तब उसने जो है विक्रम संवत स्टार्ट किया था। और इस जो यहाँ पे हर्षवर्धन जो है कन्नौज का जब शासक बना था तो इसे जब अपनी राजधानी बनाई थी इसी उपलक्ष में 606 ईस्वी में शक हर्ष संवत जो है शुरू किया था, इसने एक प्रकार से शुरू हुआ था। मगध बिहार राज्य की अगर जो बात करें तो इस विजय के उपलक्ष में इसने जो है मगध राज्य की उपाधि धारण की थी। जब उसने मगध का एक प्रकार से विजय करके उसको जीता था तो उस पर राज किया करने की बात थी, तो उसको मगध राज्य की इसने उपाधि धारण की थी। कामरूप जो है इसमें असम में पड़ता है के शासक जो थे वो भास्कर वर्मन हर्ष के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, इसी ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। पुलकेशन द्वितीय के एलहोल अभिलेख से एक प्रकार से प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि हर्ष पुलकेशन द्वितीय को एक प्रकार से पराजित किया था और युद्ध में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध इसका हुआ था पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का शासन काल धर्म साहित्य कला और उन्नति का काल रहा था। इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया था और सभी धर्मों की सभाओं का आयोजन किया था और प्रथम कन्नौज सभा जो है पांचवी बौद्ध संगीत की थी। जो प्रथम कन्नौज सभा हुई थी वो पांचवी बौद्ध संगीत की थी, इसके बारे में वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक प्रकार से हर्षवर्धन के काल में जो पांचवी बौद्ध संगीति हुई थी वो प्रथम कन्नौज सभा एक प्रकार से जो हुई थी उसी को बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता जो थी होयनसांग ने की थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? होयनसांग ने होयनसांग ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें महायान का प्रचार प्रसार हुआ था और महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। इस आयोजन में हर्ष अपनी समस्त आय का दान कर देता है। जब ये आयोजन किया गया था तो हर्ष अपनी जो है सारी आय क्या कर देता है, दान कर देता है। और इस आयोजन का एक प्रकार से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग में आयोजित की जाती थी। प्रत्येक 5 साल में जो है ये प्रयाग में आयोजित की जाती थी। इसके काल में शिक्षा साहित्य और भी उन्नति थी और इस काल में नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रकार से कह सकते हैं और शिक्षा का बहुत केंद्र था, बड़ा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था एक प्रकार से शिक्षा का बड़ा केंद्र था। हर्ष ने अपने खर्च में 100 गांवों को अनुदान दिया था। अपने जो खर्च करता था उसका 100 गांवों का इसने अनुदान दिया था। इस काल में संस्कृत भाषा जो है महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जो है दरबार बाणभट्ट नामक एक विद्वान रहते थे इसके दरबार में, जिन्होंने हर्षचरित कदम्बरी और पूर्व पाठिका चंडी शतक नामक ग्रंथों की इसने जो है रचना की थी। हर्ष स्वयं जो था संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और इसने जो है रत्नावली क्या किया था, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका नामक जो है नाटक ग्रंथ इसने जो है लिखे थे। हर्षवर्धन के बारे में अगर जो बात करें तो हर्ष के समकालीन जो है कुछ राजा हुए थे जिनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे शशांक हुए थे, ये बंगाल के एक प्रकार से गौड़ शासक जो है इन्होंने धारण किया था। कहाँ से किया था, ये बंगाल के एक प्रकार से थे, बंगाल के एक प्रकार से जो गौड़ एरिया आता है गौड़ का एक प्रकार से ये शासक था जिसका नाम था शशांक। और पुलकेशन द्वितीय कौन था, पुलकेशन द्वितीय एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, पुलकेशन द्वितीय ये बादामी चालुक्य एक प्रकार से शासक था। कौन था, बादामी चालुक्य शासक था, चालुक्य शासक था, बादामी चालुक्य शासक था। अगला जो आया था भास्कर वर्मन था, यह कामरूप एक प्रकार से असम, जो कामरूप पड़ता था भास्कर वर्मन कामरूप ये असम का एक प्रकार से पड़ता है का शासक था। और अगला आया था ध्रुवसेन, ध्रुवसेन
ध्रुवसेन या था बल्लभी गुजरात का शासक था। बल्लभी जो है कहाँ पे पड़ता है? बल्लभी जो है वो गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ का ये शासक था। अगर जो हम बात करें अगले इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था गया। ह्वेनसांग जो था इसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया। हर्ष की कुछ स्वर्ण मुद्राओं में बैल का एक अरुण शिव एवं पार्वती का चित्र एक प्रकार से अंकित मिलता है। चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 635 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय गया था। और ये इस समय इस यहाँ का जो है कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यहाँ के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। पुलकेशन द्वितीय की अगर जो बात करें तो पुलकेशन द्वितीय जो था का दरबारी के विद्वान जो था रवि कीर्ति द्वारा रचित एक प्रकार से एल्होल अभिलेख। दरबारी कवि जो था वो रवि कीर्ति था, विद्वान एक प्रकार से कह सकते हैं। उसने जो है एल्होल अभिलेख में शक संवत को 556 शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है। चूंकि शक संवत का मतलब प्रारंभ 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 78 ईस्वी में पूर्व नहीं 78 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसने अतः इसने जो है 556 में 78 जोड़ दिया है। 556 में क्या किया है? 78 जोड़ दिया है। शक संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विक्रमादित्य जो था, विक्रमादित्य इसने जो है जब मतलब उज्जैन को जीता था, शकों से उज्जैन को जीता था, तो इसने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। शकों से इसने 56 ईसा पूर्व शकों को मतलब इसने जीता था, 56 ईसा पूर्व इसने जीता था। इसीलिए आप पढ़ते होंगे हिंदी में संवत 1680 गंग के पीरे एक प्रकार से इस तरह के श्लोक आप पढ़ते होंगे कि वहां पे संवत दे दिया हो गया होता, जैसे कबीरदास के जन्म में संवत दे दिया गया है, तो वो संवत दे दिया गया है। तो ये 56 मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 1 BC से 56 साल पहले, मतलब 1 BC से कह सकते हैं कि 56 ईसा पूर्व, तो 56 साल पहले उसने जो है इसको जीता था। कितने? 1 BC से 56 साल पहले ईसा पूर्व इसने जीता था, 56 ईस्वी पूर्व उसको जीता था। और एक वर्ष बाद उसने एक प्रकार से उसके एक वर्ष बाद उसने क्या किया था, एक वर्ष उसके बाद उसने 57 ईसा पूर्व कह सकते हैं क्या कर दिया था, एक वर्ष बाद उसने 57 ईसा पूर्व से एक प्रकार से शक वो प्रकार से उसने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। तो जितने भी मिलते हैं संवत वो विक्रम संवत पे रिलेटेड है, किससे? विक्रम संवत पे। और ये जो है शक संवत की प्रारंभ कब से होता है? 78 ईस्वी से होता है। अब शक संवत और वो ईसा पूर्व था, वो 57 ईसा पूर्व था और इसमें जो है 78 ईसा पूर्व है प्लस 78 ईसा पूर्व 78 ईसा है, ईस्वी है, मतलब इसको एडी बोल रहे हैं और इसको बीसी बोल रहे हैं, ईसा पूर्व नहीं है ये 78 ईसा ईस्वी में है, एडी है, मतलब एनो डोमिनी है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये 57 प्लस 78 दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 135 आ जाएगा। 135 साल बाद जो है वो शक संवत आया था। कौन सा संवत आया था? शक संवत आया था। और यहाँ पे कह सकते हैं 556 इसमें जोड़ दीजिए पर जो तिथि आती है वो 634 वर्ष बाद एक अगली समय मतलब एक प्रकार से संवत आया जिसको हर्ष संवत बोला गया। क्या बोला गया? हर्ष संवत बोला गया। हर्ष संवत कब आया था? ये 634 ईस्वी में आया था। क्यों? ईसा मसीह के जन्म के 600 ईसा ईस्वी में आया था, एडी में आया था एक प्रकार से, तो ये तिथि आती है। अब बाण भट्ट कवि जो थे हर्ष के दरबार में रहते थे। इनका जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले में सोन नदी के तट पर स्थित है और प्रतिकूटा नामक इस गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम चंद्रभान और माता का नाम राजदेवी था। पिता इनके जो चंद्रभान थे, माता इनकी कौन थी? राजदेवी इनकी जो है वो माता थी, पिता इनके चंद्रभान थे। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो राजपूत काल से रिलेटेड होगा, जिसका काल होगा 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का।
काल होगा और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। त्रिपक्षी संघर्ष जानेंगे, चेरचोल पांड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और भी आगे भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं। उसके बाद हमारी एंशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। किसी भी चीज़ को आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, 60-60 क्वेश्चन पढ़े होंगे, आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांसेस 0% है, आप समझ लीजिए। यदि आप डिटेल में पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ आपको इससे भी मिल सकता है, और जब आप उससे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में गूंजेगा तो ये वाले फैक्ट्स जो आपके दिमाग में रखे हुए हैं ये किसी न किसी प्रकार से क्लिक हो करके, जैसे आप कीवर्ड खोजते हैं ना, जैसे आप डालते हैं कहीं पे कीवर्ड, ये वर्ड कहाँ पे है, तो वो निकल के आ जाता है। तो वैसे जब कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा तो डिटेल में आप पढ़े हैं तो वो अपने आप क्लिक हो जाएगा, वहीं पे पहुंचा देगा आपको। ये दिमाग एक प्रकार से मेमोरी का ही वर्क करता है, और जब इसको जरूरत होती है तब उन चीजों को ये निकालता है, हमेशा इसको नहीं निकालता है, ये याद रखना। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।